बताइए कि आप लोगों को शब्दकोश में देखना आता है, शब्दकोश में हिंदी के शब्दों को? शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हैं तो रीजनिंग में कई बार आता है अंग्रेजी के चार शब्द दिए होते हैं और कहा जाता है कि डिक्शनरी में इसको क्रम से लिखिए। तो आपको अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरी देखनी आती है? कितने लोगों को अंग्रेजी भाषा की नहीं आती? तो आपको ये पता होगा, जब देखो उसका क्रम देखने का क्या होता है, जो क्रम आपके अल्फाबेट का होता है उसी क्रम में आप उसमें शब्दों को खोजते हैं कि पहले ए के शब्द आएंगे सारे, फिर बी के आएंगे, फिर सी के आएंगे। तो हम पहले तो इस तरह से चलते हैं कि इस रो, इस तरह से जो रो आएगी वो ए बी सी डी इस तरह से आएगी। फिर उसके यानी शब्द के अंदर भी जो होते हैं तो पहले ए ए, फिर बी बी, फिर सी सी, इधर भी हम इसी तरह से इस तरह से हम चेक करते हैं अंग्रेजी भाषा का। तो सेम उसी तरह से हम हिंदी भाषा का भी चेक करते हैं। जैसे हमारे वर्णमाला में दिया हुआ है एक क्रम अ से लेकर ग तक, कैसे? जैसे हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो हमारा पहला वर्ण कौन सा था? अ। और इसके बाद आते आते व्यंजन पे जो हमारा अंतिम वर्ण है वो ग। जो हमने दो अलग से पढ़े थे उनका स्थान कहाँ है? ट वर्ग के वर्णों के साथ है, ठीक। तो ऐसे भी हम हिंदी भाषा के बारे में कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए बोला गया है ए फोर एप्पल से शुरू होती है, जेड फोर जेब्रा यानी जानवर बनाकर छोड़ती है अंग्रेजी भाषा। लेकिन हिंदी भाषा अ अनपढ़ से शुरू होकर ग ज्ञानी तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे भी अगर एक जोक भी है तो भी हमारी भाषा सही सिखाती है। तो चलो, यानी आपका शब्दकोश में स्थान इसी तरह से होना चाहिए जैसे अ से, और अंतिम वर्ण हमारा ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे शब्दकोश में इस तरह से स्थान नहीं है। हमारे शब्दकोश में किस तरह से स्थान है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो आपकी जो नोटबुक है उसमें आपका शायद हेडिंग डली हुई है अंतिम में, इस चार्ट से पीछे शब्दकोश में हिंदी वर्णों का स्थान या वर्णों का स्थान है ना। चलिए, जिनके पास नहीं है तो रफ कॉपी में लिखेंगे। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, जिस तरह से अंग्रेजी भाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा ही इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी हमारी वर्णमाला में जो हमारे वर्ण हैं उनका स्थान ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह से हमारे वर्ण हैं। जैसे हमारे स्वर हैं ए आ ई ई ऊ ए आए ओ औ अं और अह, इस तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर हम व्यंजन की बात करें, अभी इसे लिखिएगा मत, इसमें मैं सुधार करूंगी, अभी सिर्फ इसे मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। जब तक नहीं बोलूँ तब तक, फिर पता चले कि मैं तो यहाँ पे मिटा सकती हूँ, आप उसमें फिर काटेंगे, ठीक है। अभी नहीं लिखना है। जैसे क ख ग घ र च छ ज झ, याद हो गया? नहीं याद हुआ अभी तक? बोलो तो। अब इस, ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन को लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़े थे तो यही क्रम होना चाहिए, लेकिन ये क्रम नहीं है। क्रम क्या है ध्यान रखना, ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन, ये जो संयुक्त व्यंजन है,
इन संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं, तो इसमें हमारा पहला वर्ण क्या आता है? क। और इसमें हमारा क्या आता है? त। और इसमें क्या आता है? स। और इसमें क्या आता है? ज। अब ध्यान देना, यानी इन चारों का जो स्थान है वो इनके बाद होगा, ठीक। तो यानी जो हमारा छ है वो कहाँ आएगा? इस क के बाद, यहाँ पर, ठीक है। और वो भी कौन सा? जब ये हमारा, इन सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा त्र है ये किसके बाद आएगा? त के बाद। तो यहाँ पर जो हमारा ये त है इसके बाद हमारा ये त्र आएगा। फिर ये जो हमारा स्र है ये किसके बाद आएगा? इस स के बाद आएगा। और ये जो हमारा ग है ये किसके बाद आएगा? ज के बाद। इनका स्थान मिल गया तो ये हमारे यहाँ से हट गए, ठीक है। अब आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो आप ये कर सकते हैं आसानी से कि कौन सा किसके बाद आएगा। अब ध्यान रखिए, अब हम बात करते हैं इनकी। ये जो दो हमारे वर्ण हैं ये हमारे सबसे पहले आते हैं, यानी अ और अह, आ से पहले, अंग और अह यहाँ से पहले इसमें आते हैं, इनकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये भी हमारे यहाँ से हट जाते हैं। ये क्रम है हमारे वर्णों का। तो जब भी हम शब्दकोश देखेंगे तो सबसे पहले अगर हमको अंग और अह से संबंधित कोई शब्द देखना है तो वो हम यहाँ शुरुआत में देखेंगे, ठीक। अगर इसके बाद हमारे आता है, अगर हमें संयुक्त अक्षर देखना है तो वो हम इन वर्णों के साथ देखेंगे, बाकी सबका क्रम यही होता है। अब ये तो हमने लगाए हैं, ये जो हमारे स्वर हैं यहाँ पर, कुल 13 स्वर जो आए हैं इनके साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इनका क्रम आता है। जैसे सबसे पहले तो हमारे ये स्वर हो गए, ठीक। जब मान लो हम इस क से बनने वाले शब्दों को देखते हैं तो हम कैसे देंगे? जैसे हमारा शब्दकोश में ये ऐसे हेडिंग रहेगी क, तो इसमें शुरुआत होगी स्वर से ही। कैसे? सबसे पहले कंग से बनने वाला शब्द होगा, अगर कोई होता है तो, ठीक। उसके बाद अगर क से कोई शब्द बनता है तो होगा, अगर शब्द बनता है तो होगा, नहीं बनता है तो नहीं होगा। इसके बाद आएगा क, फिर इसके बाद आएगा का, फिर होगा छोटा ई के साथ, फिर होगा बड़ी के साथ, फिर इसके बाद छोटा उ, फिर बड़ा उ, फिर री, फिर के, फिर क, फिर को, फिर कौ। ये तो हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए, ठीक। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? व्यंजन की बारी आती है। तो अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे? आधा क, आधा का आ गया, क्योंकि ये व्यंजन है। यदि कोई शब्द आधे क से शुरुआत होता है तो वो हमें किसके बाद मिलेगा? इसके बाद, ठीक। अब बारी आएगी हमारे इस वर्ण की जो क के बाद लगा है। अब इसके बाद यानी जैसे सारे वर्ण आ गए, इसके बाद हमारा जब ये छ आएगा तो ये छ भी किससे शुरू होगा? अंग से शुरू होगा, ठीक है। फिर यदि छ के बाद इससे बनने वाला कोई शब्द होगा तो इससे मिलेगा, फिर पूरा छ, फिर छ, इस तरह से आते आते छ। और इसके बाद यदि कोई आधे छ से शुरू होता है तो, ठीक है, यहाँ पे आकर जो हमारा ये क वाली हेडिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी हेडिंग हमारी मिलेगी हमको ख वाली, और ख में भी यही क्रम रहेगा इसी तरह से अंत तक। और ख के बाद कोई है नहीं तो हमारा ख कैसे शुरू होगा? खंग से शुरू होकर आधे ख तक, ठीक है। इसके बाद ये हमारा फिनिश हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सा आएगा? क। ये समझ में आ गया ना सबको क्रम? उतार लो से। एसी चलवा दूं क्या या फैन?
फैन चला लो। उतार लीजिए इसे। घर जाके प्रश्नोत्तर किए थे, अब दिक्कत नहीं होगी। जैसे इससे पहले आप प्रश्न करते होंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनको रटते होंगे और जिसके पीछे ये नहीं पता होता होगा कि क्यों आया है, कैसे आया है। हाँ, ढा वाला प्रयोग हम बिल्कुल अलग से करेंगे, लिखवाएंगे वो लिखवाएंगे पूरा। आपने देखो अखबार में बहुत सारे शब्द मिसप्रिंट भी हो जाते हैं कई बार, और ये भी मैं आपको बता दूं, हिंदी के बारे में अगर आपको हिंदी शब्द शुद्ध है या नहीं है इसकी सर्च अगर आपको करनी है तो पुरानी किताबों को देखना होगा, क्योंकि आजकल तो ऐसा कर दिया है लोगों ने कि हिंदी को कोई वैल्यू देते ही नहीं है, तो उसका अगर कोई शब्द लिख भी रहे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर गलत भी हो जाए। अंग्रेजी का शब्द गलत नहीं होना चाहिए, वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर रहती है और हिंदी का नहीं। अब रही बात नेट की, बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि नेट पर, तो देखो नेट पर हिंदी अभी भी बहुत गलत लिखी जाती है, क्योंकि हमारी हिंदी का जिस तरह का कॉन्सेप्ट, और अभी आप जब वर्तनी पढ़ेंगे उस समय आपको पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर को सिखाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, और इस वजह से बहुत सारे शब्द हैं जो गलत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप, जब मैं अभी आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगी उसमें आपको पता चलेगा कि अगर हम हिंदी के शुद्ध शब्द लिखेंगे तो हमको जो उसकी इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश के थ्रू ही हमारी हिंदी जो कन्वर्ट होती है लिखने में, तो उसकी इंग्लिश को सही बनाना पड़ेगा जो दी हुई होती है। जैसे मान लो हम ये क लिखते हैं, मान लो ये वाला क हलंत के साथ, तो इस क को लिखने के लिए हम अंग्रेजी में किस स्पेलिंग का प्रयोग करते हैं? के का करते हैं सिर्फ। अगर हम ये क लिखें तो हमें इसमें के ए लगाना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ये क लिखते हैं, मान लो का कि मोहन का, तो आप अगर ये का इस तरह से लिखेंगे के ए, तो ये पहली बार आपको ये बना के देगा,
फिर आपको सही करेंगे तो ये आपको 2-3 ऑप्शन देगा कि इनमें से चुनो आप क्या कहना चाहते हो, तब आप उसमें से चुनोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर डबल ए लगा दोगे ना, तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा नहीं, इसे पता चल जाएगा कि आप का लिखना चाहते हो, ये तुरंत लिख देगा। क्योंकि इसकी अगर हम देखें तो सही स्पेलिंग ये जो हमारा का है इसकी यही है, तो अगर हम इस तरह से लिखते जाते हैं तो वो गलती नहीं करता। मान लो किसी शब्द के पास, जैसे ये आपका है, हमने ये है लिखा, तो ये हमको क्या स्पेलिंग देगा, एच बनाएगा, ए आई इतना देगा। क्यों? क्योंकि ये ए आई हमने किसके लिए बनाया है, ये जो मात्रा लगाई है, ये जो हमने बनाया इस मात्रा के लिए हमने ए आई का प्रयोग किया है अंग्रेजी भाषा में, जानते हैं। अगर हमने इसमें बहुवचन लगा दिया, इसमें अंकी बिंदी लगा दी, तो अगर हम ये लिखेंगे तो सबसे पहले हमको ये बिना बिंदी वाला लिख के देगा, और हम कहेंगे कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें बिंदी वाला चाहिए, तो आप वापस बैक जाएंगे तो ये फिर आपको ऑप्शन देगा कि कौन सा वाला चाहिए, बिंदी वाला या बिना बिंदी वाला, तब आप चुनेंगे कि बिंदी वाला चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम रुके ना, नॉन स्टॉप लिखते रहे, तो आपको एच ए आई और एन लिखना होगा। अगर आपने ये लिखा तो ये आपको यही देगा, गलत नहीं देगा। डिपेंड करता है आप कंप्यूटर को क्या बता रहे हो कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी में, मान लो आप एप्पल की स्पेलिंग लिख रहे हो, तो जो एप्पल की सही स्पेलिंग है आप वो लिख रहे हो तो वो लिखेगा। अगर आप उसको गलत लिखोगे तो क्या वो मना कर देगा कि मैं नहीं लिखूंगा? लिख देगा। आप सेव करोगे तो भी, लेकिन साथ में क्या कर देगा, नीचे लाइन खींच देगा और कह देगा मेरे अकॉर्डिंग अगर आप वो एप्पल खाने वाला एप्पल लिखना चाह रहे हो ना, तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। लेकिन आपने कहा नहीं लिखो, तो उसने लिख दिया है। अब कंप्यूटर एक ऐसा नौकर होता है जो हमारे किसी काम के लिए मना नहीं करता और पलट के जवाब नहीं देता कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो आपको ज़रूर ये बताता है कि आप यहाँ गलत हो, वो इतना बताता है। तो वैसे ही हमारी भाषा है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, हमारी भाषा को लिखते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, ध्यान देते नहीं हैं, और फिर बाद में हम क्या सोचते हैं, यार उस वेबसाइट पे ऐसे लिखा हुआ है, ये शब्द ऐसे दिया, इसका मतलब मैं गलत हूँ, ये सही हो सकता है। हम अपने कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं। कॉन्फिडेंस को बिल्कुल नहीं गिराना है, आपको यहाँ सीखना है कि वास्तविकता क्या है, और उसके बाद अगर नेट पे आता है तो उसे राउंड करके उसको रिप्लाई भी कर दो। हर किसी वेबसाइट पे, हर चीज़ पे होता है कि अगर हम कहीं गलत है तो आप बताओ। और ध्यान रखिएगा, हर किताब और हर चीज़ अपने बचाव के लिए लिख देती है, अगर इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हो या चीज़ हो तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, ये नहीं सोचना। बहुत बच्चे ऐसे निकालते हैं कि मैडम देखो इस डिक्शनरी में, मैं कभी भी हिंदी के लिए डिक्शनरी अभी विश्वसनीय नहीं है, अभी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है, उसमें गलतियां हैं। अगर आप सही शब्द देखना चाहते हो तो डिक्शनरी जो आती हैं मार्केट में जो मिलती हैं आप उनको लीजिए, नेट पे नहीं, ठीक है। मिटा दूँ इसको।